कर रखा है अपने। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एक्सप्लोर विद मुस्कान। सो आज मैं आई हूँ लोधी गार्डन में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है दिल्ली का। सो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी ग्रीनरी और काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छी जगह है। तो इस जगह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ कि आगे टाइमिंग क्या है, टिकट्स क्या है, लोकेशन क्या है, नीज मेडिटेशन क्या पड़ेगा, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, विदाउट स्किप करें इसको पूरी देखिएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन है। तो चलिए आपको घुमाते हैं आप लोधी गार्डन। सो अब हम बात करते हैं कि यहाँ की लोकेशन क्या पड़ेगी। यहाँ की लोकेशन पड़ेगी लोधी रोड न्यू दिल्ली, और इसका नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको जोरबाग। जोरबाग मेट्रो स्टेशन से ये काफ़ी पास में है, आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे बाय ऑटो, बाय वॉक भी आप आ सकते हो, 15 से इतने कुछ मिनट लगेंगे बाय वॉक अगर आप आना चाहते हो तो। बाकी एंट्री टिकट की बात करें तो एंट्री टिकट यहाँ की बिल्कुल ही फ्री है, और पार्किंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी अवेलेबल बाहर आउटसाइड में। तो अभी यहाँ पर 7 रिक्शे वाले ले रहे थे 20 रुपीज़ पर पर्सन के, बट हमने 50 रुपीज़ पर 3 जनों को करवाया है, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो। अगर 2 जने भी आ रहे हैं ज़्यादा प्राइस मांगते हैं तो 50 रुपये एक ऑटो का ठीक है, चाहे आप 3 हो चाहे 4 हो, करवा लेना बार्गेनिंग। हेलो भाई, सर भाई ने आप तुम्हारा भाई साहब जी भाई वाड़ का ठीक है, तो एक छत्तरवादी में छत्तरवादी लगता है अपना आपको छत्तरवादी में लाग। तो सुबह उठ गए, रात रात हो गए, हमने खाए फिर हम चले गए खेत में बादाम पीने, फिर हमने करी पीती, फिर हमने मारे रस्से, फिर राम राम बोल के हम चले गए फिर खेतों में, फिर राम राम बोल के हम आ गए लोधी गार्डन जय बाबा की। तो यहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं है, यहाँ से मुझे एक फोर्ट सा दिख रहा है लोधी गार्डन का। मैं कभी नहीं आई हूँ यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आई हूँ, और ना इवन मैंने यहाँ की कोई ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखी है, ज़्यादा क्या मैंने बस थोड़ी बहुत फोटोज़ देखी है और थोड़ा बहुत मैंने इनको मूवीज़ में देखा है। क्योंकि लोधी गार्डन अभी कार्तिक गार्डन की एक मूवी आई थी जिसमें कृति सैनन थी, उस मूवी में भी ये कृति यहाँ पर वॉक कर रही थी, कृति सैनन। तो यहाँ पे वो मूवी शूट हुई है, काफ़ी सारी मूवी शूट हुई है और नॉट ओनली वन। और अभी एंट्री टिकट वगैरह सब जाके मैं अंदर बताती हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी यश और निखिल आ रहे हो भाई साहब, अब जाके आए कि देर में वेट करने के बाद ये रहे। और एक ये ब्लॉगर हो रहे हैं यश, इसका चैनल नेम डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप जाके इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, इनकी ब्लॉगिंग ही चल रही है। यहाँ पे बाहर आपको ये सब कुछ खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, तो खाने की टेंशन नहीं लेनी है आपको, आइसक्रीम्स मिल जाएंगी और गोलगप्पे वगैरह मिल जाएंगे, और इवन यहाँ पे आपको नींबू पानी मिल जाएगा, नारियल जूस मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ये अपना छोले कुलचे मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी ईजिली, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है यहाँ पे ऑटो, सो यहाँ ईजिली आ सकते हो। बाकी ये एंट्री गेट है, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दिस इज़ द एंट्री गेट, एंड यहाँ एंट्री लेते ही मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक व्यू देखने को मिल चुका है। मीन्स एंट्री लेते आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगी, और यहाँ कोई एंट्री टिकट नहीं है। फेमस है योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए। मॉर्निंग में आप आओगे ना तो आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे रनिंग करते हुए, योगा करते हुए, ऐसी सब चीज़ें करते होंगे। अभी तो नहीं है, देखो वहाँ पे लिखा भी गया है योग स्थल, क्योंकि मोस्टली वहीं पे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कृति सैनन और कार्तिक गार्डन की मूवी शूट हुई है, उसमें भी कृति यहाँ पे वॉक कर रही थी। तो हम वॉक वॉक नहीं करेंगे, हम सिर्फ छोटे शूट करेंगे, अपना ब्लॉगिंग करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको और अच्छे से लोधी गार्डन को एक्सप्लोर करवाते हैं। यहाँ पे बस बस कैसे एक ही हमारा न्यू ब्लॉगर भाई, जगह तो बहुत जबरदस्त है, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है, और फोटो के लिए बहुत अच्छी जगह है, घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है भाई, और बहुत बढ़िया जगह है, कितना आना चाहिए सबको भाई। मैं सबको इतना एक इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेरी बहन के ब्लॉग के, उसमें जाके देख लेना, कि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं तुम्हें, ठीक है, फन के लिए बोलूँगा। बहुत मस्त जगह है, फोटो वोटो क्लिक कर।
सो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ऐसे वाले पंखे की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा चपड़ी वाली चीज कर दी मैंने, तो है ही तो कर क्या दी। क्या बोला तूने? देख जाए, सो लेट्स गो इनसाइड ऑफ लोदी, ये जो फोर्ट है। तुम्हारा क्या चल रहा, चलना नहीं अंदर? चलो आ जाओ। तो चल देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे पिकनिक स्पॉट्स वगैरह है, मतलब आप पिकनिक यहाँ पे बना सकते हो अपनी फैमिली के साथ आके अपने साथ, और खाना वगैरह यहाँ पे अलाउ है, कुछ चेकिंग नहीं है, कुछ कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक तो इनकी बकर 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 सो माई दिस क्लिप इज फॉर दोस्त जो कहते हैं ये ओनली कपल पार्क है। नो यार, यहाँ पे मुझे काफी सारे फैमिली लोग भी दिख रहे हैं जो अपनी फैमिली के साथ आए हैं। उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर अपना एरिया बना रखा है, पिकनिक स्पॉट टाइप कर रखा है अपने। अपने साथ मैट वगैरह लेके आए हैं और अपने साथ खाना वाना लेके आए हैं ताकि यहाँ पे वो अच्छे से अपने पिकनिक मना सके। तो यहाँ से अभी हम आए हैं, मुझे अभी तक इंडिकेट यहाँ की नहीं मिली है, बट हम यहाँ से जाने वाले हैं। और पीछे एक और दिख गया है हमको, ये चलते हैं अंदर। इसके कुछ नहीं है, ऐसे कबाड़ सा ही दिख रहा है वैसे तो मुझको, बट स्टिल जाना तो चाहिए और दिखाना भी चाहिए। सबसे पहले हमको ये वाला एरिया देखने को मिलेगा, देन ये वाला। सो पहले अंदर जाके यहाँ देखते हैं क्या है। कोई भूतिया सा बंगला सा लग रहा है। एक तो यहाँ पे ना ये कब्ज छपा देते हैं यहाँ पे, मतलब लगा देते हैं, तो थोड़ा सा हौदत हो ही जाता है। सो हियर यू विल गेट टोटल 4 टॉम्ब, बड़ा गुम्बद, शीश गुम्बद, मोहम्मद शाह टॉम्ब एंड सिकंदर लोदी टॉम्ब। ऑल्सो यू कैन सी हियर अ ह्यूज गार्डन एंड अ ब्यूटिफुल लेक, बट आई विल शो यू ओनली 2 टॉम्ब एंड सम ब्यूटी ऑफ लोदी गार्डन। फॉर अदर टॉम्ब एंड अ ब्यूटिफुल लेक यू नीड टू गो लिटिल डीपली इन दिस गार्डन। तो जो ये वाला टॉम है इसको कहते हैं बड़ा गुम्द, और इसके बाद में सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। ओहो, इतनी ज़्यादा हाइट पे ये बना रखा है। यहाँ कबूतर वगैरह मिलेंगे थोड़े से, ऐसा सच तो कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे कितनी अच्छी आर्किटेक्चर कर रखी है, काफ़ी अच्छे से, बट ज़्यादा इसमें आर्किटेक्चर बची नहीं है। बस यहाँ पे से एंट्री गेट्स पे थोड़ी बहुत यहाँ पे बची हुई हैं, वहाँ नेट लगा रखी थी वो भी सारी तोड़ रखी हैं। बस यहाँ की 4 एंट्री है, 1, 2, 3 और देखिए 4। यहाँ पे आपको खाने पीने का भी मिल जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये वाला जो टॉम्ब है ये वाला ये घूम लिया है मैंने, बस थोड़ी सी आगे की ये मीनारे सी रह रही है, उसके बाद हम वाले टॉम्ब में जाएंगे और फिर थोड़ा पार्क को कवर करेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट लोकेशन पे भी जाना है जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मैंने ये वाला भी देखा नहीं है, यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ है और एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो जो है उर्दू जिनको आती है वो पढ़ सकते हैं, बाकी हमें तो आती नहीं भाई। बाकी यहाँ पे फालतू की दीपी करी गई है, यहाँ पे ये नाम वाम लिख रखे हैं लोगों ने। बाकी तो
अभी हम जा रहे हैं शीश गुम्द में। आप सोचोगे मुझे कैसे पता है, इस पे लिखा हुआ शीश गुम्द और सारी हिस्ट्री इस पे लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, मैं बता भी दूंगी। लेकिन वैसे एक बार यहाँ पे कर दे जूम। तो देख सकते हो समाधि का बाग है, तीन तीन शेयर एक साथ आठ आठ बना रखी है। किस किस की है बता दूंगी मैं, बाकी ऊपर से ही ऐसा है। तो समाधि वगैरह में तो मेरे को एंजाइटी सी भी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हम निकलते हैं यहाँ से, एग्जिट हो रहे हैं। हाँ को क्या कुछ ले रहे ना, ठंडी है ना? हाँ ठंडी है। और एक चिप्स ले, दो ले ले, दो दे दो। कौन सा वाले? यही वाले क्या? पैसे पाँच सौ का नोट है। वाह यार वाह, दो हजार चल जाएगा? सात नवंबर तक कर दिया। आपसे ज्यादा स्मार्ट है अबे यार। भैया कह रहे हैं मैं पकड़ नहीं पाऊंगा अगर 500 लेके भाग गए तो। अच्छा पकड़ ले अपने पास से। 20 का 10 रुपए का आया तो। अच्छा 15 वाला 20 का है यहाँ पे यार। तो ये कितने की दी है? 100 रुपए का। अच्छा 20 रुपए एक्स्ट्रा, ये 50 की दी है। तो अभी मैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बैठे खा रहे थे कुछ चिप्स और ये सब कुछ स्नैक्स हम खा रहे थे, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे लोग कितने बैठे हुए हैं और अपने घर से खाने पीने का चीज लेके आए हैं, और वहाँ पे चल रही है सिंगिंग। देखो अभी यहाँ पे चल रहा है, क्या बोलते हैं, प्री वेडिंग शूट चल रहा है, और इतनी गर्मी में इतनी धूप में लड़की पहन के आई है प्रॉपर गाउन, वो भी येलो चमकता हुआ गाउन, इतना ब्राइट कलर का। दिखाती हूँ आपको, मच्छर टाइप था ना, किसी की बेइज्जती नहीं करी, बट जनरली मुझे ऐसा फील हो रहा है इतनी गर्मी लग रही होगी इसको। ये देखो यहाँ ना प्री वेडिंग, अरे मेरा शूट हो गया तो अच्छा वाला। ये प्री वेडिंग शूट हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे आ गई है पुलिस। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स के लिए ना चार्ज देने पड़ते हैं, और होता है यार ये सब रूल्स होते हैं, तो उन्होंने परमिशन नहीं ली होगी, और अब ये पुलिस से बातें कर रहे हैं। अब तू बता जो बता। सो यह मोस्ट प्रोबेबली हमने घूम लिया है ये, और यहाँ पे एक ने गिटार बजाते हुए बहुत अच्छा गाना भी गाया है। थोड़ा सा पार्क बचा है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सो इतना प्रीटी ये वॉक के लिए बना रखा है, तो एक वॉक मैं क्यों ना ले लूँ, तो चलिए वॉक लेते हैं। सो आई फाउंड अ हर्ट हियर, तो चलो चेकआउट करते हैं उसको क्या है। फूलों में निकल जाती हो तो फाइनली गाइस अब हम हिमायु टॉम नहीं जाएंगे, ये फाइनल हिमायु टॉम हमें जाना है, बट पता नहीं इसको जाना नहीं है, बट वो तो हमारा नेक्स्ट पार्ट का है, नेक्स्ट वीडियो का है, बट ये वीडियो हमारी यहीं पैंड होती है। और यही था हमारा लोधी गार्डन, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मुझे तो अच्छा लगा ये। अगर आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है तो यहाँ पर ज़रूर आइए, बाकी पास में आते हो तो मॉर्निंग वॉक के लिए भी यहाँ पर आ सकते हो। और अगर आपको चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों और फैमिलियों के साथ। और हाँ जी इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर दे लगे आप, कमेंट भी कर दो। और गाइस मेरा भी लिंक, मेरा भी सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, डालूंगा ही नहीं। ठीक है चलो बाय, टाटा बाय, खत्म गया।